लाइव यादगार इतिहास बाबूपुरवा में उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को किया आग के हवाले। फिर पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए की दर्जनों राउंड फायरिंग और आशो गोले छोड़कर लोगों को बचाया। जी हां, कानपुर में CAA के विरोध में हजारों की संख्या में विशेष समुदाय ने बवाल किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरों के साथ चलाई कांच की बोतल। दंगाइयों ने पुलिस को दो मोटरसाइकिल सहित चार वाहनों को आग लगा दी। पुलिस ने दंगाइयों पर गन से किया फायरिंग और आशु गैस के गोले भी फेंके। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अरे लगाओ ना यार, भैया मना कर रहे हैं। बढ़िया से ले आओ, आराम से आराम से। कुछ लोग अभी कुछ लोग बाहर आ जाओ। चलो शुरू करो, चलो कैमरा ग्राउंड रोल करो। रोल है पूरा यहाँ अभी कुछ दंगा या पत्थर क्या है सिचुएशन अभी? देखिए, यहाँ पर अभी नमाज के बाद जो बाबूपुरवा क्षेत्र में ये ढेर सारे लोग जब रोड पे आ रहे थे तो पुलिस द्वारा उनको रोका गया, तो वो नहीं माने। उस पर उन लोगों ने पथराव किया तो उसमें कुछ ये करीब अभी तक 25 लोग की गिरफ्तारी हुई है। अन्य और लोगों को जो भी उसमें थे उधर से आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करके जो भी इसमें शामिल थे इसमें पथराव में और ये सब घटनाओं में आगजनी में, तो सबके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गाड़ियों में आगजनी भी की गई है? बताया नहीं, आगजनी पथराव इनके द्वारा किया गया है और उस सब पर 25 लोग नहीं पुलिसकर्मी तो बाई दर घायल नहीं, एक दरोगा के छोटी चोट उनके अनूप के पैर पर हल्की सी चोट लगी। सर कुछ सरकारी वाहन भी फूके गए? हाँ, मैंने बताया नहीं, चार मोटरसाइकिलें फूकी गई हैं, दो पब्लिक की हैं, दो स्टाफ। सर स्थिति कंट्रोल में? हाँ बिल्कुल, स्थिति कंट्रोल में, आप देख ही रहे हैं।